क़याम पाकिस्तान से कबल 1890 में मेरी वेदर क्लॉक टावर तामीर किया गया और इसी के टावर के नाम से क़याम पाकिस्तान के बाद टावर का नाम मशहूर हुआ। इसकी तंजील और आराइश पर 31,240 रुपये खर्च हुए और उस वक्त के मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार ने इसकी तंजील और आराइश का काम किया। इसके बाद नाजिम कराची नेमतुल्ला खान एडवोकेट ने इसकी तंजील और आराइश का काम कराया गया। ये हमारा कौमी विरसा है और इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। इसके चारों अतराफ खोंचे लगाकर कब्ज़ा किया हुआ है और इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। हुकूमत को और सिटी गवर्नमेंट महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इसकी देखभाल करें क्योंकि ये हमारी कौमी विरसा है और इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। और इसकी जो घरली है वो असल हालत में अभी नहीं है, तब्दील कर दी गई है। महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि यहाँ एक बोर्ड आवेदा करे ताकि यहाँ के आने वालों को पता चले कि इसकी कितनी तारीख मेरी वेदर क्लॉक टावर्स की है और इस खस्ता हाल बिल्डिंग जो हो गई है हमारे तारीखी विरसा, इसकी मरम्मत का फौरी तौर पर काम किया जाए ताकि इसे खूबसूरत नज़र आए और इसके चारों तरफ जो नाजायज़ तजावीज़ हैं इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मैं यहाँ रोज़ाना यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसकी घड़ी तक सही नहीं है। यहाँ नाजायज़ तजावीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ एक साहब हैं जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, लेकिन जी यहाँ पर किस तरीके से खोंचे लगाए हुए हैं, मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपने खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग कीजिए। जो लोग आके यहाँ डेली भत्ता ले रहे हैं आप उनको रिकॉर्ड कीजिए, उनको मीडिया पे लेकर आइए और ये तारीखी बिल्डिंग को नुमाया, इसको नुमाया कराइए। इसके अंदर आप देखिए कि किस अंदाज से कचरा भरा हुआ है। यहाँ उन्हीं ने खोखे उठा के चौकीदार ने रखे हुए हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैं सिटी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तारीखी गवर्नमेंट को, ये कराची का हमारा हिस्सा है, इसको उजागर करें। इसको ये मेरी वेदर टावर के नाम से कराची जाना जाता था, हमने बचपन से अपनी किताबों में मेरी वेदर टावर का नाम सुना है। आज इसकी हालत जो है वो बिल्कुल खंडरात में तब्दील होती जा रही है। चौकीदार जो है ये देखभाल करता रात को? नहीं, यहाँ पर ड्यूटी नहीं होती है रात को। आप खड़ा करते हो, ये एक तारीखी बिल्डिंग है और मेरी वेदर टावर क्लॉक टावर है और ये हमारा कौमी विरसा है। आप यहाँ खड़े हो, किसी ने इजाज़त तो दी होगी सिटी गवर्नमेंट ने, कुछ लाइसेंस, कुछ पैसे, क्या करते हो? कुछ भी नहीं। मैंने तो शहर में कोई ऐसा नहीं देखा कि फुटपाथ पे खड़े हो और किसी को तुम पैसे नहीं देते हो। अल्लाह के जाके आपने जवाब देना है। सब बगैर पैसों के तो कोई काम होता ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर भाई किस किस को देते हो पैसे? सब लेते हैं। ये मेरी वेदर टावर के जो है इसका कोई वास्ता नहीं। नहीं नहीं, यहीं बाहर ही खड़ा रहता है। यहाँ तो पुलिस वगैरह लेती है ना, पुलिस है, एमसी है, ट्रैफिक पुलिस है, सब लेते हैं। 50 रुपये हफ्ता। किसने खड़ा किया, किसका, किसने इजाज़त दिया तुम्हारे भाई? इजाज़त नामा है इधर खड़ा होने का? इजाज़त तो नहीं, हम आ गया तकरीबन 3 साल हुआ, हमें इधर खड़ा हुआ, ऐसे तो हम तो किसी ने इजाज़त नहीं दिया। मुसलमान है आप? हाँ। कितने पैसे देते हैं बता, सही बता, नहीं घबरा ना। क्यों बक रहे गए यार, थोड़ी बक रहे गए। हमें पठान है वाले कितने ले जाते हैं, केएमसी वाले कितने? पहले केएमसी वाला था 30-30 पे लेता है, अभी हम इधर आधा दिन इधर खड़ा हो जाएगा, आधा दिन बोल्डर मार्केट में खड़ा हो जाएगा, फिर उधर 50 पे हफ्ते का देता है। ये इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, बाप मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये गंदगी सारे अंदर बने? नहीं, गंदगी कौन है? अभी ये पान का केबिन किसका अंदर बोला? अभी बना, अभी बनाया है। मेरा नाम जो भी है आप, ये मैंने अभी बनवाया, ये सारा काम अभी हो रहा है। ये किसके मुलाजिम हो तुम? हम सिटी गवर्नमेंट के। सिटी गवर्नमेंट क्या हो, माली हो? हाँ। तो ये कब से माली यहाँ पे? मैं, मेरे को जब काफी साल हो गए ना, 25 साल हो गए ना मेरे को। कचरा कोई कचरा नहीं है, सारी सफाई करवाई है, पहले सफाई करवाई है। एक केवन किसी का भी नहीं है भाई। क्यों रखा हुआ अंदर? ये पता नहीं है, तारीखी बिल्डिंग है, ये टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, हमारा कौमी विरसा है, तुमने इसका बेड़ा कर रखा हुआ है? मैंने बेड़ा को सारा सफाई रखता हूँ, सारी सफाई रखी है मैंने। हाँ बताओ कहाँ कचरा है, कहीं कहाँ दिखाओ, आगे देखो अंदर, अंदर हम शराबत से बना रहे थे, हमें लगा रहे नहीं शराबत से। और बताओ ये कचरा किसका है? ये लकड़ियाँ किसकी है? ये बांस किसके, ये क्या है? ये हमने रखा है वहाँ उनके बांधने के लिए, ये पौधे नहीं लगे इनको बांधने के लिए, ये पौधे बांधने के लिए रखी है। ये आग देखो, ये सब नहीं, ये सारे सफाई चौकीदार ने रखी होगी, रात का चौकीदार है उसने रखी होगी। पता क्यों रखी है इसके अंदर, ये पता नहीं है? ये का मेरे को नहीं पता। देखो ये क्या है, मिट्टी अभी, ये स्टोर चेंज वालों को मैंने बुलवाया है, वो आएंगे उनके घर आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं यार सारे अंदर बाहर? ये सब देखिए, सफाई नहीं क्यों नहीं आती?
इससे पहले आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? मैं ये रोजाना ये क्या ये प्लास्टर नहीं होया सर, ये बताइए कितने हाई टेस्ट के लिखी है और कितने 1890 में बनाना? ये 1890 कॉस्ट प्राइस है 31,214। मेरी वेदर क्लॉक टावर की तरह कराची शहर में 600 से ज़्यादा तारीखी इमारतें हैं और महकमा आसार कदीमा और सिटी गवर्नमेंट और मुतालिका हुक्काम को चाहिए कि इनकी खूबसूरती और इनकी तंजीन व आराइश का काम करें ताकि शहरी यहाँ इन बिल्डिंगों को देखकर और इनकी खूबसूरत चीज़ों को देखकर तारीख लिख सकें और नए नौजवान नस्ल इन बिल्डिंगों से आगाही हासिल कर सकें। कैमरामैन साजिद अली के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची।